सब खुश है ना आप लोग? मां लोग सब खुश है? तब मेरा साथ बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज का सभा में हमारा बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की सम्माननीय मंत्री श्री राम खिलवान पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री रणवीर सिंह रावत जी, श्री राममोहन बागेल जी, रमेश यादव जी, जितेंद्र सिंह बागेल जी, दरियाब सिंह पटेल जी, महेंद्र सिंह डांगी जी, रणवीर सिंह तोमर जी, रणवीर सिंह बागेल जी, सुरेश अग्रवाल जी और हमारे पूरा स्टार हीरो उमाकांत शर्मा जी, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। उमाकांत माता की, उमाकांत जी जगत कर रहे हैं, साष्टांग कर रहे हैं, आशीर्वाद दो भारत माता की। मैं तो संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सामने। अभी तो मैं उमाकांत जी का भाषण सुन रहा था तो मेरा ऐसा लगा कि मुझको भाषण देने आने से जितना आनंद लगा उससे ज्यादा आनंद लगा उमाकांत जी का भाषण सुन के। और मैं आसाम का सुनाओ में पूरा स्टार प्रसारक बना के उमाकांत जी को लेके जाऊंगा जब सुनाओ आएगा। भाई और बहनों, हमारा थोड़ा हिंदी कच्चा कच्चा जैसा है, इसलिए असम में बहुत ज्यादा हिंदी नहीं चलता था, हमारा लोग असमिया ही बोलता था। मैं थोड़ा अभी हिंदी सीख रहा हूँ तो थोड़ा मेरा उधर उधर हिंदी हो जाता है, आप लोग खुद ही इसको करेक्शन करके ले लीजिए, ठीक है ना। सिरोंज का धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, मैं काल भी मध्य प्रदेश में था, परसों दिन भी मैं मध्य प्रदेश में था, तो कोई सांबादिक मीडिया पर्सनल का साथ मेरा मिलने का सौभाग्य हुआ। तो एक मीडिया पर्सनल ने मुझको पूछा कि अगर शिवराज जी इतना काम किया है तो जन आशीर्वाद यात्रा का जरूरत क्या है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई साहब, ये आपका प्रश्न है कि कांग्रेस का प्रश्न है? बोले नहीं, ये कांग्रेस का प्रश्न है। तो मैं इतना ही आपको बोलूंगा कि हम सनातनी है, हम हिंदू है, और घर में मेरा किसी का शिक्षा जीवन की आरंभ होगा, मैं पिता माता का शरण छू के ही आरंभ करूंगा। शादी होगा वो भी पिता माता का शरण छू के ही शादी होगा। हमारा हिंदू का जीवन में जो भी होगा वो आशीर्वाद से ही होगा, और इसीलिए विधानसभा चुनाव में हम जा रहा है तो माता पिताओं का आशीर्वाद लेना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। इसका साथ चुनाव परिणाम का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस का हिंदू संस्कृति का बारे में पता नहीं है, सनातन का बारे में पता नहीं है, इसलिए ये अनाप शनाप क्वेश्चन वो लोग करते रहते हैं। मैं कमलनाथ जी को भी बोलना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह साहब को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग सीखिए, थोड़ा हिंदू परंपरा सीखिए, और आप लोग भी कोई जन आक्रोश आक्रोश मत करो। हमारा दिन में तो संग्रहण नहीं किया, हमारा दिन में तो इतना शौचालय नहीं बना, हमारा दिन में तो इतना G20 जैसा समिट नहीं हुआ, हमारा दिन में तो गरीब का उत्थान नहीं हुआ, इसीलिए उनका मन में आक्रोश है
कोई जान आक्रोश नहीं है, ये कांग्रेस का आक्रोश है, मध्य प्रदेश का जनता का कोई आक्रोश नहीं है। मैंने आज 3 दिन मध्य प्रदेश में रहा हूं और मैंने आक्रोश का बात तो दूर दूर, यहाँ का जनता नरेंद्र मोदी को पूरा दिल खुल के आशीर्वाद दे रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाइए और हम आप सब लोग आपका साथ है। भाइयों और बहनों, मैंने मध्य प्रदेश आया और मैं असम का धरती से आया। मध्य प्रदेश महाकाल का भूमि है, नर्मदे माँ का भूमि है और असम में कामाख्या माँ रहता है। मैं असम का कामाख्या माँ का देश से आप लोग को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माता रानी कामाख्या माई जी। भाइयों और बहनों, यहाँ से जब मुझको जाने पड़ेगा, काल परसों में जब असम जाऊंगा, अभी मेरा थोड़ा डर भी लगा हुआ है। किस लिए? शिवराज जी ने आप लोगों के लिए जो स्कीम निकाला, लाडली बहना, अभी प्रॉब्लम ये हो चुका है मध्य प्रदेश में, तो मैं लाडली बहना का बात बोलता हूं, फिर ये आजकल फेसबुक का जमाना हो गया तो असम में लोग सुनता है और फिर मुझको बोलता है दादा असम में अभी ये स्कीम कब आ रहा है। आप देखिए कितना बड़ा मुसीबत कर दिया शिवराज जी ने। 1.5 करोड़ माताओं का बैंक खाता में 1,250 रुपया प्रति महीना अभी आना शुरू हो गया है। आज का दिन में अगर देश में गरीब कल्याण के लिए सबसे बड़ा स्कीम किसी ने स्टार्ट किया है और शिवराज सिंह चौहान जी ने स्टार्ट किया है और यही लाडली बहना स्कीम है। अभी हमारा सारे सीएम का टेंशन है क्या करेगा, इतना साधन भी हमारा नहीं होगा, लेकिन माताओं तो हर जगह में माता ही होता है, बहना तो हर जगह में बहना ही होता है, हर बोलेगा अभी असम में भी लागू करो। तो मैं सुबह शिवराज जी को बोला आप इलेक्शन जीत लीजिए फिर हमें भी सिखा दीजिए कैसे लाडली बहना स्कीम को स्टार्ट करना है। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा स्कीम है। आप सोच सकता है 1.5 करोड़ माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना का 10 तारीख 1,250 रुपया जमा होगा। और फिर मैं अभी बोलू ना बोलू पता नहीं असम में कौन कौन सुन रहा है। फिर शिवराज जी बोल रहा है कि ये 1,250 को हम 3,000 रुपया तक लेके जाएगा। 3,000 रुपया प्रति महीना बैंक अकाउंट, अभी 1,250। घर में 3 बहू है तो 1,250 रुपया 3 गुना हो गया। और शिवराज जी ने क्या किया, जो किसान सम्मान निधि मोदी जी दिल्ली से 6,000 रुपया भेजता है तो उसका ऊपर भी शिवराज जी ने गुगली लगा लिया, बोला मध्य प्रदेश शासन में भी 6,000 रुपया आएगा, तो 12,000 हो गया। आप देख सकता है, आप अंदाज कर सकता है कि इतना बड़ा स्कीम आज का दिन में ना कांग्रेस शासित प्रदेश में है न भाजपा प्रदेश शासित में है। मैं शिवराज जी को अभिनंदन करता हूं इतना बड़ा स्कीम हमारा माँ और बहनों के लिए लाने के लिए।